जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। ध्याये ब्रह्मांडनाथम नीलनीलदतनो रत्नसिंहासनस्तम तदक्षरे भाग्यदात्री रुचि रुचिरतरा भाग्यदात्री सुभद्रा तदक्षरे कामपालं धवलवरतनु लांगलं दस्य बाणु श्रीलक्ष्मी रेवतेर्द्वे परिवसतु सदा ब्रह्मदारो स्मरामि दारु ब्रह्ममु स्मरामि परम कारुणिका करुणा वरुणालय भक्तवंचाकल्पतरु अनाथस्य नाथ जगन्नाथंक पदकमलतले यधमर अनंतकोटिप्रणाम मणिमा अनंतकोटिप्रणाम जनंको विष्णु प्रयमणि नमई तहंक चरणि तुंडे बोलई हरि हरि भो जगन्नाथ दैतरी दिव्यात्मन दर्शन करुछन्ति पद्म पावनंकर से चकाचका नयन देश श्रृंगार चलिछि जेतु आज बुधवार सेतिपा नील रंगर वस्त्र को महाप्रभु परिधान करिबा सहित अपूर्व भावर सहित अलंकार रे विमंडित होछन्ति आपण माने सुनुतिले आज आविर्भाव होइथिबा महाप्रभुंकर कथा से आज कौन ना आज हेउछि 12 मासर जो 13 पर्व से हेउछि नीलाद्री महोदयाष्टमी आज मध्य गोटे पर्व महाप्रभुंकर से कथा को आपण श्रवण करुथिले ब्रह्मा प्रतिष्ठा करिथिले महाप्रभुंकर ई मंदिर आजिर दिन आज्ञा जाके कहा जाइछि विभिन्न प्रकार तंत्र जेतेले पद्धति आसी थाए सेतेबेले मध्य कहा जाइछि कण ना वैशाखे वैशाख मासर शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि गुरुवासरे महाप्रभुंकर मंदिर प्रतिष्ठा कराइतिला वैशाख मळे पक्षे अष्टम्यां पुष्य योगतः कृत्वा प्रतिष्ठा भो विप्रा शोभने गुरुवासरे तदर्धनं समूहत्ता पुण्यं सर्वकाम प्रसादतम स्नानं दानं तपोहोमं सर्वख्य सर्वख्यर्ज्यं मस्रुते शुक्लाष्टमी दावैश्यखे गुरु पुष्या जुता जथा तस्याभ्यो वर्जते विष्णु कोटि जन्म घनासनम ये कोटि अघनासन करिबार शक्ति जहांक पाखरे अछि जो तिथि द्वारा आजिर जो तिथि साधारण तिथि नुआ गया महाप्रभुंकर जार नाम होछि नीलाद्री महोदयाष्टमी अनेक अष्टमी कथा अपन माने जानिछंती प्रथमाष्टमी अछि ता भितरे मध्य अपन देखिबे राधाष्टमी अछि कृष्णाष्टमी अछि सेबले भावर सहित दुर्गाष्टमी अछि ये समस्त प्रकार अष्टमी गोटे गोटे अष्टमी आपण माने पालन करंती किंतु महाप्रभुंकर मंदिर रे कालिया सांतंकर इथि जो कलेवर धारण करिछंती आज्ञा अपूर्व भावर सहित से मध्य नीलाद्री महोदयाष्टमी को मध्य भूली नांती आज्ञा ब्रह्मांकर पंचम पुत्र जहां को कहा जाए थाए इंद्रदुम्न सहनूर्प सुष्ट पंचम पुरुष से पंचम पुरुष जेते बले महाप्रभुंकर एठारे महाप्रभुंकर जन्मर कथा स्वतंत्रता रही महाप्रभु आविर्भाव होइथिले केउ दिन ता समस्ते जानिबा दरकार महाप्रभुंकर श्री जगन्नाथंकर जन्मदिन केउं दिन पालन करा जाए थाए स्कंद पुराण रे जहां प्रमाण आसी थाए ज्येष्ठ पूर्णिमा जाको स्नान पूर्णिमा कहा जाए से दिन महाप्रभुंकर आविर्भाव
ता सहित किंतु मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव मंदिर प्राकट्य उत्सव आज दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को नीलाद्री मुहोदाष्टमी बोली पालन करा जाई थाए। सही तत्व विषय रे जेते बेले कथा से सेते बेले आउ गोटे कथा ता भितरे जोड़ी होई जाई थाए अधिवास। महाप्रभुंकर केते प्रकार अधिवास अच्छी आपण जानिले आश्चर्यचकित होइजिबे। वस्त्र अधिवास हुए, ये अधिवास कौन? आमर समस्ते मध्य विवाह कर्म रे अधिवास गोटे रही थाए आज्ञा। गंधाधिवास हरिद्राधिवास ये अधिवास हुई थाए, से अधिवास अलगा, ये अधिवास मध्य अलगा आज्ञा। अधिक वास अर्थात अधिवास देखा गले साधारण अर्थ रे बुझा गले अधिक कौन? जिते बड़े अधिकतार दर्शन आसी थाए सेते बड़े ताकू पूर्व दिन मंत्रित जंत्रित तंत्रित होई ताकू संपूर्ण भाव रखा जाए थाए। आपण कहिबे मंत्रित कौन, जंत्रित कौन, तंत्रित कौन? निश्चित भाव ताभितरे जानिबा दरकार। महाप्रभुंकर अधिवास जिते बड़े हुए गोटे मुरुजरे गोटे जंत्रटीए कटा जाए जिते बड़े जंत्र द्वारा जंत्रित कवा जाए थाए जंत्र द्वारा। तापरे तनुतंत्र आज्ञा शरीर भितरे ताकू रखा जाए अर्थात गोटे रूपा पिंगण हो किंबा ताटटीए हो तार उपरे रखा जीव तापरे चिमिड़ी दिया जीव तुलसी पत्र दिया जीव मंत्र द्वारा ताकू अधिवास करा जीव। ये मंत्र तंत्र जंत्र द्वारा महाप्रभुंकर से अधिवास होइथाय आज्ञा। ये अधिवास केते प्रकार अधिवास आपण जानिले आश्चर्य हेबे। केते प्रकार अधिवास महाप्रभुंकर होइथाय गोटे जल अधिवास। महाप्रभुंकर जल अधिवास थरे नुह आज्ञा। महाप्रभु जिते थर 108 गरारे स्नान करती सेते थर महाप्रभुंकर जल अधिवास होइथाय। आज दिन में महाप्रभुंकर 108 गरारे स्नान करिबे। पुष्याभिषेक दिन महाप्रभुंकर जल आदि जल रे मध्य 108 गरारे स्नान करिबे। आउ गोटे दिन महाप्रभुंकर स्वतंत्र विधि विधान अनुसार स्नान पूर्णिमार दिन महाप्रभुंकर मध्य 108 गरारे स्नान करिथंती। इबले भावर सहित महाप्रभुंकर ये जलाधिवास होइकि रहिथाए। आउ आज दिन में ताकू कौन करा जाए थाए ना महाप्रभुंकर पाखरे पहुंची थाए। ये अधिवास मध्य स्वतंत्र भाव रे अधिवास गृह अधिवास रा स्वतंत्रता रही। महाप्रभु जिते बड़े रत्न सिंहासन रे विराजमान करती तंकर सम्मुख भाग रे थिबा आपण देखिथिबे गरुड़ स्तंभ। से गरुड़ स्तंभ रा पछपट को जिबे पछपट रे कौन अछंती ना भोग मंडप। ये भोग मंडप जाकि स्वतंत्र विधि विधान अनुसार भोग मंडप प्रस्तुति। आउ भोग मंडप रे महाप्रभुंकर भोग लागे। ये भोग लागिबा सहित आउ कौन होइथाए ना ये भोग लागिबा सहित महाप्रभुंकर पाखरे भोग लागे ता सहित महाप्रभुंकर अधिवास होइथाए। आउ एठारे मध्य कुआ जाइछि बंधा मध्य होइथांति किए जेते बेले दयना चोरी कथा आसीथाए। ये दयना चोरी को मध्य महाप्रभु सेठारे मध्य बंधा है कि रही थांती। आज मध्य महाप्रभुंकर भोग भोग मंडप जो भोग गोटे भोग मंडप करा जीव द्वितीय भोग मंडप आज नहीं अर्थात महाप्रभुंकर प्रथम भोग मंडप हेबो नहीं। कारण महाप्रभुंकर आज विभिन्न प्रकार नीतिकांति अच्छी श्रीमंदिर नीलाद्री महोदयाष्टमी से कथार श्रवण तो आपण माने करिछंती। मोर बड़ भाई पद्मनाभ त्रिपाठी शर्मा महोदय मुखार बिंदु महाप्रभुंकर से दिव्य कथा को मध्य श्रवण करिछंती। आउ ब्रह्मांकर किपरि भाव आगमन कले आवरी भावर दिवस कथा मध्य आपण माने श्रवण करिछंती। आउ गोटे कथा इतिहास किंवदंती अनुसार जोड़ी हो जाई थाए जेते बड़े आदि गुरु शंकराचार्य एठारे पीठ प्रतिष्ठा करिछंती पीठरे एठारे पद्म पाद को अभिषिक्त कराई थिले। आज दिन में भूलंतु ना कहीं कहा जा महाप्रभुंकर ये जगत गुरुंकर जपरि भाव मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु
मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जते प्रकार रा कथा रही आज मध्य ये पीठाधीश्वर भाव आदि गुरु शंकराचार्य पीठ से पद्म पाद प्रतिष्ठित होते तार मध्य किंवदंती रही अधिवास कथा में आसवा अधिवास जल अधिवास होता है वस्त्र अधिवास होता है महाप्रभु घोड़ लागी हेबे जेते बले घोड़ लागी हेथांती महाप्रभु सेते बले मध्य घोड़ पूर्व दिन महाप्रभुंकर अधिवास हुए से वस्त्र अधिवास वस्त्र अधिवास जल अधिवास गंधाधिवास अर्थात महाप्रभुंकर अक्षय तृतीया जो आपण माने जानिथिबे से अक्षय तृतीया दिन मध्य महाप्रभुंकर सेइबले भावर सहित ता पूर्व दिन मध्य अधिवास होइकि रहिथिला आपण दर्शन करुछंती पतित पावनंकर अपूर्व भावर सहित वेश श्रृंगार नयन देखा जाउछि जो कथा कहा जाइछि कमल लोचन श्री हरि करे शंख चक्र धरी खग आसने खगपति खटंती लक्ष्मी भूदेवी श्रीदेवी गरुड़ आसने मुरारी गोपरे रखिले बाछोरी। महाप्रभु आज्ञा तंकर नयन हूँ जो नयन को कहा जाए कमल लोचन बोली जो कमल लोचन आहा आहरी मध्य कह नीलाद्रि जले पद्म आखी निस्तरी जीवान रे देखी नीलाद्रि रे महाप्रभु विराजमान करिछंती तंकु देखिबा द्वारा कौन हुई थाए ना आम भली पतित मानंकु से उद्धार करी दियंती आज्ञा उद्धार करी दियंती अधिवास कथा निश्चित भाव रे समस्ते जानिबा दरकार अधिवास ये काहीं की हुए किपरि भाव रे हुए कहीं गोटे द्रव्य जत बड़े लागे से महाप्रभुंकर पाख को जीवा पूर्व से गुणलाभ करिथिबा दरकार सेतिकी गुणलाभ करिबा पाई ताकु अधिवासित करा जाय थाय गोटे दिन तपस्या करिबा को पड़ी थाय बिना तपरे किछि साध्य हेबो नाही सिद्धि पाई से वस्तुटी महाप्रभुंकर नाम को तपस्या करू थाए आपण मध्य यदि तपस्या करिवे ताले महाप्रभु को निश्चित भाव रे प्राप्ति हेबो एतिरे तिले मात्र संदेह नाही सिद्धि पाई महाप्रभुंकर नाम महाप्रभुंकर गुणानुकीर्तन महाप्रभुंकर सदा सर्वदा भजन करिबा द्वारा महाप्रभुंकर प्राप्ति होई जानती अधिवास हेबार कारण ए कि जे से जो कोनोसी वस्तु हो तार गुणत्व प्राप्ति हबा पाई ऐश्वर्यता प्राप्ति हबा पाई ता सहित से जेपरी भाव रे भल गुण प्राप्ति हो सेई भली भावर सहित सेति पाई प्रस्तुत करा जाई थाए ये होची कौन जार नाम होची अधिवास अधिवास एई अनुसार होई थाए जे कि महाप्रभु अधिवासित करी स्वतंत्र भावर सहित सेई द्रव्य मानंकु रखिथांती से द्रव्यमान जते बले अधिवास हो जाई था से अधिवासर सब किछि से प्राप्ति हो जाई था जप करिबा द्वारा तप करिबा द्वारा जे परिभाव रे आमे महाप्रभु को प्राप्ति हो जांती से बले भाव रे से अधिवास हितिबा द्वारा ता गुण विकसित होई थाए ता सहित महाप्रभु को प्राप्ति होबार सहज उपाय हो जाई थाए सिति पाई
महाप्रभुंकर ये द्रव्य मानंकु अधिवास कराई कि रखा जाए। आउ गोटे कथा समस्ते जानिबा दरकार, महाप्रभुंकर जेते प्रकार यात्रा अछि ता भितरे महाप्रभुंकर सबु यात्रा रे किछि ना किछि मध्य रहिछि। आज से बोली भाव रे महाप्रभुंकर जल अधिवास होई कि जो रहिछि से मध्य महाप्रभुंकर पाखरे लागि हव ता तो आपण माने जानिछंति। जेहेतु आज पवित्र नीलाद्रि महोदयाष्टमी आज तिथि वामदेव संगीता उक्ति अनुसार अनेक कथा मध्य रही भितर कथा वही कथा तो देखा गले अनेक जो कथा को समस्ते जानिबा मध्य दरकार शास्त्र प्रमाण कौन शास्त्र तत्व समस्ते मध्य जानिबा दरकार ये शास्त्र रे तत्व कौन रही जहाँ को वामदेव संगीता कहा जा वर्णना कर भूयम शुणुस्व देवेश नीलशैलाधिपति नीलशैलाधिपति अपूर्व भावर सहित जो प्रमाण मिली था महाप्रभुंकर ये प्रमाण प्रमेय ये समस्त प्रकार जो प्राप्ति होता है ताकू स्वतंत्र भावर सहित जिते व्यक्त करा जा से व्यक्तरे मध्य कहा जाइछि जे महाप्रभुंकर ये समस्त प्रकार कथा देखि भूयम शुणुसु देवेश नीलशैलाधिपतिश्च जह माधवेस्तिते पक्षे च ह्यष्टम्या जदिते जदिने नृपः प्रसाद घटना चक्रे ददस्तो प्रतिपा प्रतिभाश्चरम तथा प्रस्यास्तु उत्तरे समाचरेत। इठारे कुहा गला जे कि यही तिथि प्रभुंकर प्रकट हुई थी बार प्रतिवर्ष प्रकटोत्सव यही दिन महासमारोह रे पालन करिब पुष्याभिषेक श्रीजू ओ अभिषेक अभिषेक उत्सव पालन करिला पड़ी यही दिन मध्य अधिवासित जल अभिषेक करा जीवा महाप्रभु स्वयं कहितबा द्वारा अधिवासित हेब तापर जाय से जल वैशाख शुक्लाष्टम्या तिथि रे श्रीमंदिर नीलाद्रि महोदयाष्टमी को पालन करिबार विशेषतता रहिछि सिद्धिपाय मध्य पालन करा जाय आसुछि आउ जेई बळी भावर सहित पालन मध्य करा जाय थाय आपण माने दर्शन करुछंती पतित पावनंकर अपूर्व भावर सहित दर्शन करुछंती जेते दर्शन करुछंती निश्चित भाव रे मन भितरे अनेक प्रकार रा चिंता थाए महाप्रभु तुमर कृपा प्राप्ति हवा पाई सतकथा आज्ञा महाप्रभुंकर कृपा प्राप्ति करिवा पाई समस्तंकर इच्छा थाए कृपा पारा वार सजल जलदो श्रेणी रुचिरो ये गोटे गोटे बहाना जेपरि भाव रे महाप्रभुंकर अक्षय तृतीया गला गोटे यात्रा तापर आज यात्रा ये भाव यात्रा करी महाप्रभु तंक पाख को डाक आज्ञा जी जिते दूर थाउ महाप्रभुंकर पाख को आसिकी पहुँची जबार ये गोटे गोटे उपाय महाप्रभु तैयारी करी आज्ञा आउ किछि नुह ये केवल प्रस्तुति महाप्रभुंकर ये समस्त प्रकार नीतिकांति समस्त प्रकार जय जय सब देखुचंती ये केवल महाप्रभु कौन करिछंती केवल भक्त वृंद मानंकु दर्शन दवापाई दर्शनात मुक्तिदम साक्षात दर्शन द्वारा मुक्ति प्रदान करती से तो महाप्रभुंकर स्वतंत्र विधि विधान अनुसारे सब किछि पालन करा जाय थाय आउ सेबले भावर सहित तो महाप्रभुंकु मध्य अर्चन वंदन सब किछि करा जाय थाय स्वतंत्र विधि विधान अनुसारे महाप्रभुंकर ये समस्त प्रकार कार्य मध्य आसुची एभली भाव होता सहित जितेबले कथा मध्य आसे नीलाद्रि महोदयाष्टमी कथा अधिवास महाप्रभुंकर जितेबले अधिवास रही थाए कह महाप्रभुंकर अनेक अधिवास कथा ता भितरे रही निश्चित भाव
देखिबे जे विभिन्न प्रकार जो अधिवास रही से अधिवास भितर गोटे अधिवास जार नाम हो जलाधिवास। जलाधिवास ये भाव तीन थर महाप्रभुंर जलाधिवास होताए कहीं कहु नित्यश्चव नित्यसख्य नित्यश्री नित्यमंगल विहर्चित जगन्नाथ श्रीकृष्ण श्री श्री जगन्नाथ बा जगन्नाथ वैकुंठ पराधिप ये वैकुंठर अधिप होता द्वारा एठार महाप्रभुंर विभिन्न प्रकार रहस्य रही ये अधिवास होता है। अधिवास जल रे महाप्रभु स्नान करते कह ब्रह्मांडर उत्पत्ति किपरी है तहार को कही जानी नांती से बोली भाव रे महाप्रभुंर उत्पत्ति कथा किए बा जानिबो जो कथा कहा जाई छी ब्रह्मांडर उत्पत्ति किपरी हेला नाहम नान रात्र नभो भूयम जे केही मध्य जानी पारंतिनी दिन राति आकाश ना पृथ्वी ना एतिर अतिरिक्त किछि नथिला बास सूत्रादि इंद्र बा बुद्धि आदि भविष्य एक ब्रह्मा ओ पुरुष ही थिले तदंतर रे आमे समस्त प्रकार प्रकट हेले ता भितरे महाप्रभुंकर कथा को जेतले ब्रह्मा मध्य कहि पारंती नाही तंकर प्राकट्य कथा से किपरि भाव रे कथा आमे बा कौन जानिबा गोटिया भक्तंकर भाव आज्ञा शुणिले आश्चर्यचकित हेबे भावरे सतसत सतसतिया भावरे यदि आपण भावक भावना करिवे ना महाप्रभु सबु किछि ग्रहण करि दियंती गोटिए भक्त टिए महाप्रभुंकर प्रत्येक दिन आसंती दर्शन करंती देखंती जे समस्ते किछि ना किछि महाप्रभुंकर पाए नै आसचंती के फूल नै आसचंती के फल नै आसचंती किए केते प्रकार द्रव्य आणिकि महाप्रभु को दउचंती से किंतु अति गरीब आज्ञा कौन करिवे महाप्रभु को किसी दवापी चिंता करुंतर से भाव इच्छा प्रकाश करते इच्छा प्रकाश करने द्वारा सेठे नाम लिखा जा किए कौन महाप्रभुंर देपारे से कहले आज्ञा मु दवापी इच्छा अच्छी मत सेवार विच्युत करूँ ना मु प्रत्येक दिन महाप्रभुंर पाख को आसुची दर्शन करुच्ची किंतु महाप्रभु को किसी दे पारुनि आउ कौन ना से पुजारी को कहले महाप्रभु पुजारी महाशय मु महाप्रभुंर पाई दवापी चाहूँगी किंतु मो पाखरे से अर्थ ना कई कई चिंता करती महाप्रभु आपण को विशाल कायक महाप्रभु आपणकर जो बड़ बड़ जो माल परिधान करुछंती से माल को मु गोटे परिधान आपण को करवाई इच्छा करती किंतु महाप्रभुंर माल रे केते खर्च होते कौन होपणकर भोग लगुची मु भोग लगेवाई चाहूँगी से भाई भाव इच्छा प्रकाश करी कहले जे मु महाप्रभुंर पाई भोग लगेवाई इच्छा करुची से किपर भाव भोग लगे पारि मो पाखे किंतु धन किसी ना धनर राशि किसी ना किपर भाव लगेबी से पुजारी जनक कहले किसी दरकार ना महाप्रभु भाव को ग्रहण करती भावर सहित जपरी भाव तिलेमात्र जदि आप सन्देह न रखिकी महाप्रभु को भाव प्रकट करिवे भावर सहित जहाँ चिंता करदे महाप्रभु भावग्राही आज्ञा ता निश्चित भाव ग्रहण करती ये भावना करी कहले हौ मु कालिता हेले जाई ये वृंदावनर कथा आज्ञा ये महाप्रभुंर वृंदावनर कथा एक भाव सहित से कौन कले ना विभिन्न प्रकार आखि बुझी बसीगले चिंता कले जे मु आज चुली लगेली चुली लगे कि मु महाप्रभुंर पाई प्रस्तुत करुची कौन कौन विभिन्न प्रकार द्रव्य से द्रव्य प्रस्तुत करवा को आरंभ करदे द्रव्य जो प्रस्तुत बसी था अग्नि लगेले विभिन्न प्रकार सामग्री बनैवापी विभिन्न प्रकार सेठार आरंभ करदे आरंभ चली थाए निजे चिंता करुछंती घी पड़ा विभिन्न प्रकार द्रव्यमान बोली चिंता कले केशर पकौंती विभिन्न प्रकार मिष्टान मिष्ट द्रव्यमान प्रस्तुत करुछंती चिंता कले विभिन्न प्रकार महाप्रभु को जहाँ भग भल लगे भल भल द्रव्यमान को प्रस्तुत करी कौन कले से भाव सहित मन केवल चिंता करुछंती प्रस्तुति करूना चिंता खाली करुछंती गोटे एवली भाव सरीगला तंकर चिंता सरीगला जे कहले जे मो महाप्रभुंर पाई भोग प्रस्तुति होइगला भोग प्रस्तुति जेते बले हेगला बोली भाविले
ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଧରିବେ ନା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଧରିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗୋଟିଏ 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 ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁକିଛି ବଢ଼ା ହେଲା। ତାପରେ କଦଳୀ ପତ୍ରକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ଆଗତୁରିଆ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୂଜାରୀ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରୀ ଜଣକ ଜାଣିଲେ, କହିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବର ସହିତ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା, କବାଟ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ପରେ ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଭାବରେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଭାବରେ ସହିତ ଆବାଜ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ। କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭାବରେ ନିକଟ, ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭାବନା କରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଭଳି ଭାବର ସହିତ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଭଳି ଭାବର ସହିତ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାଏ ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଗୋସାଇଁଜୀ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ଜଣକ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ବୋଧେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଏତେ ସମୟ ଏତେ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗରମ ଗରମ ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବନ୍ତ ଗୁରୁ ଚତୁର ନାମ ବପୁ ଏକ, ଇନିକି ଚରଣ କମଳ ନିନିକି ଚରଣ ବନ୍ଦଇ ନାଶଇ ବିଘ୍ନ ଅନେକ। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଦିଅନ୍ତି ନା, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୁଝନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଥିପାଇଁ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, କି ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ, ରହସ୍ୟ କ'ଣ? କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କୁଣ୍ଡଳ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? କର୍ଣ୍ଣକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସେଠାରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ କାନ ନାହିଁ। କୁହାଯାଇଛି ଆନ ନ ରହିତ ସକଲ ରସ ଭୋଗୀ ବାନୀ ବିନୁ ବ କଥା ବଡ ଯୋଗୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ବିନୁ ପଦ ଚଲାଇ ଶୁଣାଇ ବିନୁ କାନ କାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଏ କାରଣ କ'ଣ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, ସେ ଆମ କଥା କିପରି ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ତ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କାନ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କର କାନ ରହିଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାନ ରହିଛି, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାନ ଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେବତା ଯାହାଙ୍କର କାନ ନାହିଁ, ଆଖି ଥିଲେ ପତା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ ଥିଲା ଭଳି। ଆଜ୍ଞା, ଏହାର ରହସ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଜ୍ଞା କାନ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ଭାଷାରେ ସନ୍ଥମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେ କଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯିଏକି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯଦି କାନ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତେ ନା, ଗୋଟିଏ କାନରେ ଜଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିହେବ, ପଚାଶ ଜଣ କହୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଚାଶଟା କାନ କରିବେ, ପଚାଶ ଜଣଙ୍କ କଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ଶୁଣିବେ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି, କିଏ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହୁଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ କୋଟି କୈବଲ୍ୟ ନାଥ କିପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ପଚାରୁଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟିଏ କାନ ଥାଆନ୍ତା ଶୁଣିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟି କାନ ରହିଛି, ଆପଣ ବେଶୀ କରି ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ କଥା ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରିବେ, ଆଉ ଦୂରରେ କଥା ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରିବେ। ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଚାଶ ଜଣ ପଚାଶ ପ୍ରକାର କଥା କହିବେ, ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଣିପାରିବେ? କହି ର ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ଆଗେ ସେ କହିସାରି ତାପରେ ତୁମେ କହିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଆଜ୍ଞା, କାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭାବନାରେ ଆଗେ ଆସେ, ଭାବନାରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଭାବିଲିନି କିଛି କହିଦେଲି, ସେ କଥା ହେଇନଥିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ କ'ଣ କଥା?
न ଭାବିକି କେଉଁ କଥା ଆପଣ ଆସିବେନି। ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଜନା ଅକ୍ଷରର ସଂଯୋଜନାରେ ଶବ୍ଦ ଇଏ କିପରି ଭାବରେ ହେବ? ଅ କ ଖ ଗ ଘ ଇଏ ସବୁ ମିଶିଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେବ। ଅରଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣ ସଂଯୋଗ କରିବେ, ଶବ୍ଦ ହେବ। ଶବ୍ଦକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପରିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଭାଷା ହୋଇଥାଏ ବା କଥା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲା ପରେ ଭାଷା ଆମ ମୁଖରୁ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାଣୀ ହେଉଛି ତ୍ରିପ୍ରକାର ବାଣୀ, ପରା ମଧ୍ୟମା ବୈଖରୀ ଯେଉଁ କଥା ରହିଛି ସେ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁ ବାଣୀ ଗୁଣାନୁକଥନେ କଥା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ବାଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତରର କଥା ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣିନେଲେ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାବର ସହିତ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଣିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଇଏ ଭାବନା କରିବା କ୍ଷଣି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସବୁକିଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୋ ପାଖରେ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଉ। ସେ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥାଏ। ଭୋଗ ସରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଥାଏ ଜପ ଅନୁସାରେ, ଜପ ସରିସାରିଲା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ବା ଗୋସେଇଁଜୀ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆହା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ କ୍ଷୀରି, ଦହି, ଏଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛି ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ। ଥାଳିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥୁଆ ଯାଇଛି। ଭକ୍ତକୁ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ମିଛ କଥା ମୋତେ କହିଥିଲ, କହିଲ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି। ଇଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନା ମୁଁ କିଛି ଆଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ କଥା, ଆପଣ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ନା ମୁଁ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ତ ଦେଖିନଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବର ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପାଟି ଖୋଲିକି କହିଦେଲେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ କେବଳ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ପାଟି ନ ଖୋଲିକି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତରର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତରର କଥାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ। ଆପଣ ତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମପାବନଙ୍କର ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର, ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ମଲିମାଳ ଖାଲି ଆସିକି ଲାଗି ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥାଏ ମଲି ଯେପରି ଭାବରେ କଥାରେ ଅଛି, ମଲିମାଳ ଶ୍ୟାମକୁ ଦେବି ମନ ତୋଷିବିରେ, ସେ ମନକୁ ତୋଷିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନକୁ ତୋଷିବା ପାଇଁ ମଲିମାଳ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗୁଛି। ଆହା ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ମଲି 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 ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସ୍ନା ସୁଗନ୍ଧିତ ବାସ୍ନାରେ ପୁରି ଉଠୁଥିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାକ ନାସାଗ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହା ଅପୂର୍ବ ଭାବର ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ଭଳି ଆଉ କିଏ ହେବ? ସଦାସର୍ବଦା ସେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଭଳି ଭାବରେ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହସେଇଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହସେଇଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଭକ୍ତଟିଏ କୁହେ, ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁଃଖ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏ ଅଧିବାସ ଜଳ ଅଧିବାସ ଯାହା କିଛି ହୋଇଥାଏ ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇଥାଏ, ଯେପରି ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ଗୁଣ ବିକାଶିତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ବିକଶିତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯେପରି ଭାବରେ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହେବା ପରେ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଲେ, ନିର୍ଭୟ ହୋଇକି ରହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରି କରି ନିର୍ଭୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଆସୁଛି ନା କୌଣସି କଥାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ। ଯେଉଁ ନାମ ଧ୍ୟାୟୀ ତରି ଗଲେ ପାପି, ସେଇ ନାମ ଧ୍ୟାନ କର ହେ। ଯେଉଁ ନାମକୁ ଧାରଣ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପୀମାନେ ତରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ନାମକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ କେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି।
केवल अनई थांतु महाप्रभुंकर देखुचंती नाक चणा नाकु आसी विभिन्न प्रकार मध्य महाप्रभुंकर लागी सारिलाणी आ अल्प समय भितरे महाप्रभुंकर भोग नैवेद्य हब आलती करा जीव ता सहित महाप्रभुंकर मध्य अन्यान्य अन्यान्य नीतिकांति भली भावरे बढ़ी थाय ताकु तो आपण माने समस्ते जानंती जय जगन्नाथ टेलीविजन माध्यम रे आरंभ रु शेष पर्यंत आपण माने तो दर्शन करुछंती वेश श्रृंगार देखुछंती सिंह द्वार रो शोभा ता सहित महाप्रभुंकर किपरि भावरे शोभार वर्णना कोन बा करिबा अपूर्व से महाप्रभुंकर शोभा महाप्रभुंकर से कल्पना तीत बा कल्पनार कि मध्य तंक कथा कहि हुए नाही आसंतु महाप्रभुंकर नाम को भजन करी मधुरात मधुर भजन श्रवण करिबा कहीं कह कलीयुगरे केवल तारिबापाई जदि इच्छा अच्छी महाप्रभुंकर नाम को नियंतु निश्चित भाव में तरीजे आज्ञा एलेमात्र सन्देह ना कि महाप्रभुंकर नाम को निश्चित भाव में भजन करार अच्छी थरुटी हो दुई थर हो जेकोसी जहाँ भी हो महाप्रभुंकर नाम ही सबकि मुक्ति दे थाए भक्ति प्रदान करसंतु महाप्रभुंकर नाम को संकीर्तन करी मन भितर चिंता करवा महाप्रभुंकर से गरुड़ स्तंभ पाखे अच्छा महाप्रभु को दर्शन करुंच जगन्नाथ 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 पाई मम जगन्नाथ 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 रक्ष मम जगन्नाथ पाई मम जगन्नाथ रक्ष मम जगन्नाथ पाई मम जगन्नाथ रक्ष मम जगन्नाथ 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 पाई मम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ।